हेलो स्टूडेंट, ये क्लास सिक्स और आज हम ये नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि हमारी स्टार्ट होती हैं पेज नंबर 136 से। सबसे पहला इसमें टॉपिक है कि मेजरमेंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट मतलब नापना किसी भी चीज़ को मेजरमेंट बोला जाता है। तो लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट कैसे करें, किस तरह से हम उस लाइन को नापें, ठीक है। तो जो लेंथ है वहाँ पर आप देखोगे कि उसकी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो SI है, SI यूनिट बोलते हैं उसे, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो उसकी जो मेजरमेंट करते हैं हम लेंथ की वो करते हैं मीटर में, या हम बोल सकते हैं कि SI यूनिट जो होती है वो लेंथ की मीटर होती है, ठीक है। और इसका जो सिंबल है उसको लिखते हैं M से मीटर। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि हम लेंथ को, लंबाई को किस चीज़ में नापेंगे, मीटर में। क्योंकि मीटर में क्यों नापेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। अब लेंथ की कुछ और भी यूनिट हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे पेज नंबर 136 पे एक टेबल दी हुई है, वहाँ पर कुछ और यूनिट दी हुई हैं। तो वो यूनिट क्या हैं, कुछ हमको दी हुई हैं यूनिट से, मीटर से बड़ी यूनिट, कुछ दी हुई हैं मीटर से छोटी यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर से छोटी यूनिटों के बारे में। तो जैसे पहले लिखा हुआ है मीटर, सिंबल है इसका M, और उसका रिलेशन अदर यूनिट के साथ कुछ नहीं है, मतलब अदर यूनिट के साथ सिंबल नहीं देगा क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है तो इसका नहीं है वो। तो डीसी मीटर इससे छोटी यूनिट, यानी मीटर से छोटी यूनिट है डीसी मीटर, जिसको हम लिखते हैं DM से। और एक डेसी मीटर बराबर होता है 1/10 मीटर के, या हम बोल सकते हैं कि 10 डेसी मीटर बराबर होते हैं 1 मीटर के। तो ये मीटर से छोटी यूनिट है। अब डेसी मीटर से भी छोटी है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं CM से, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/1000 मीटर के, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मीटर का 100वां भाग, 100th पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। या बोल सकते हैं हम कि 100 सेंटीमीटर मिलकर के 1 मीटर बनेंगे। सेंटीमीटर से छोटी यूनिट है मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं mm से, और 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1/1000 मीटर के इक्वल होता है, या हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये तो बात हो जाती है छोटी यूनिटों की। तो हमको केवल अभी यहीं तक पढ़ना है, मिलीमीटर के बाद भी यूनिटें होती हैं लेकिन आपको अभी उतना नहीं जाना। तो ये हैं यूनिट मीटर से छोटी। अब बात करते हैं मीटर से बड़ी यूनिट कौन सी हैं। तो डेकामीटर आप टेबल में देख रहे होंगे, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो बात करते हैं यहाँ पर नए उसके लिए, मीटर से बड़ी यूनिट तो सबसे छोटी, अब मीटर की बात करें, मीटर सिंबल M, मीटर से बड़ी यूनिट, मीटर से बड़ी यूनिट है डेकामीटर। तो डेकामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं DAM, ये होता है 1 DAM, यानी डेकामीटर में होते हैं 100 मीटर, यानी 10 मीटर के बराबर एक डेकामीटर होता है। और इससे बड़ी यूनिट फिर होती है हेक्टोमीटर, इसको लिखते हैं हम HM से, हेक्टोमीटर। और एक हेक्टोमीटर में हो जाते हैं 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर के बराबर होता है एक हेक्टोमीटर।
अब इसके बाद बड़ी यूनिट आ जाती है किलोमीटर। किलोमीटर इसको लिखते हैं हम KM से, और एक किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो ये कुछ मीटर के बारे में यूनिटें हैं, जो आपकी टेबल भी दी हुई है। इस टेबल को लिख लेंगे आप, नोट कर लेंगे मतलब अपनी बुक में, और याद भी कर लेंगे। तो इसका एक तरीका सीधा है, यानी कि मीटर की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो गई हमारे इसके अकॉर्डिंग, एक मीटर की सबसे बड़ी यूनिट हो गई किलोमीटर। किलोमीटर से आगे बढ़े छोटी हो गई मीटर की नहीं मतलब लेंथ की, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर से फिर आगे बढ़े छोटी डेकामीटर, डेकामीटर से फिर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे मीटर, मीटर से फिर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे डेसीमीटर, डेसीमीटर से फिर आगे बढ़ेंगे तो आएंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से फिर आगे बढ़ेंगे तो आएंगे मिलीमीटर। तो ये क्या है, लेंथ की यूनिट है, यानी कि बड़ी यूनिट है किलोमीटर, छोटी यूनिट है मिलीमीटर। ठीक है, अब मीटर की इनसे कंपेयर करें तो इसमें होंगे 1000 मीटर, यानी कि किलोमीटर में होंगे 1000 मीटर, इसमें होंगे 100 मीटर, एक एक जीरो देखो कम होती चली जाएगी, इसमें होंगे 10 मीटर, इसमें ये तो 1 मीटर है। अब इसके बाद जीरो नीचे बढ़ती चली जाएंगी, 1 मीटर, ये 1/100 मीटर यानी सेंटीमीटर, मिलीमीटर का मतलब हो गया 1/1000 मीटर। तो ये पूरा, ये ऐसे चलेगी लाइन, पूरी लाइन से लिखते जाओगे ऐसे, इसके बाद फिर ये आएगी, फिर ऐसे लिखोगे, फिर ये आएगी, तो फिर ऐसे ये लिखोगे, यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से ये सबसे बड़ी यूनिट है, यानी कि इससे बड़ी भी यूनिट हैं, लेकिन उनको आप अभी नहीं पढ़ोगे, उनको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 1-2 साल बाद क्लास में आएंगे आपके में। तो अभी आप ये बात जान करके चलो कि किलोमीटर जो लंबाई की बड़ी यूनिट है, और मिलीमीटर लंबाई की छोटी यूनिट है, जिसमें मीटर कहीं बीच में आता है। ठीक है, और मीटर क्या है लंबाई की, स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो ये चीज़ें बना लेंगे। इसके बाद आपके स्केल के बारे में कुछ जानकारी इन्होंने दी है 136 पेज पर, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना भाई, स्केल के बारे में इन्होंने क्या बोला है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एंगल के बारे में, कि एंगल क्या होता है। एंगल, तो एंगल में क्या देखते हो आप, ये वैसे आपने 4-5 क्लास में भी पढ़ी हैं इस बारे में चीज़ें, ये सब चीज़ें, कि वी हैव हार्ड टू डायरेक्शन इन अवर डेली लाइफ, वी नो दैट द हिमालय इज टू नॉर्थ ऑफ द इंडिया, जापान इज टू बी ईस्ट, एंड ऑल्सो नो द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, देर आर 4 मेन डायरेक्शन, देर आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आप पहले से ही जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जब हम टर्न करते हैं, यानी नॉर्थ की तरफ हमारा मुंह है, चेहरा हमारा नॉर्थ की तरफ है, हम अगर साउथ की तरफ जाएंगे या ईस्ट की तरफ जाएंगे या वेस्ट की तरफ जाएंगे, कहीं ऐसे टर्न करेंगे तो हमको कुछ एंगल पे घूमना पड़ेगा ऐसे। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, जब एक दो स्ट्रेट लाइनों के बीच में जो मूवमेंट आता, टर्निंग बाय टू लाइन एंगल, यू रीच एनी ओरिजिनल पोजिशन, जब आप अपनी ओरिजिनल पोजिशन से थोड़ा सा इधर या उधर मूव करते हो, तो उसको हम जो जितना मूवमेंट होता है उसको हम एंगल में मेजरमेंट करते हैं। तो इतना था इसमें केवल। अब जो मेन चीज़ है वो है टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल यानी एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो ये आपका मेन है, इसको आपको याद रखना है, इनकी डेफिनेशन भी नोट करनी है और याद भी करनी है।
एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जो लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। इस तरह से वो बनाए जा सकते हैं, एक रे ऐसे और एक रे ऐसे, तो ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। आगे चलते हैं नंबर दो, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ना कम होते ना ज़्यादा होते, एग्जैक्ट 90 डिग्री के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सब आप बुक में से नोट कर लेंगे। नंबर थ्री पर है आगे फिर ऑब्ट्यूस एंगल। नंबर थ्री, ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल जो ग्रेटर देन 90 या बिगर देन 90, बिगर देन 90 से जो बड़े होते हैं, इस तरह के एंगल हो सकते हैं, इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन 180 से छोटे होंगे, लेस देन 180, ये भी बात याद रखनी है। 190 से तो बड़े होंगे लेकिन 180 से छोटे होंगे। डेफिनेशन पूरी आपकी बुक में है, बुक में से आप उसको डेफिनेशन को याद करेंगे, नोट करेंगे। आगे चलते हैं नंबर फोर, चौथा आ गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं, ना छोटे ना बड़े, इस तरह के, ये जो है वो स्ट्रेट एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल नंबर फाइव, रिफ्लेक्स एंगल तो वो एंगल जो 180 से बड़े, बिगर, बिगर देन 180 बट लेस देन, लेस देन 360, यानी कि 180 से बड़े और 360 से छोटे, ऐसे जो एंगल होंगे, मान लीजिए ऐसा एंगल हो गया ये, तो ये जो एंगल है वो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, बाकी एक और भी आता है कंप्लीट एंगल, सिक्स दिया नहीं है। कंप्लीट एंगल वो होते हैं जो एग्जैक्ट 360 के होते हैं, ना छोटे ना बड़े, उनको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये थोड़ी सी याद रखोगे बात। इसके बाद आती है मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे लेंथ को हम नापते थे, लंबाई को अब नापते हैं स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में, इसी तरह से हमारा क्या है, एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है एंगल का। एंगल तो इसके लिए आपको, आपके पास एक प्रोट्रैक्टर होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, इस तरह का एक ऐसे, उस पर यहाँ पर ऐसे लाइनें बनी होती हैं, तो एक उसको प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं 10, 20, 30, 40, इस तरह के। यहाँ पर ये पूरा 180 तक बिल्कुल ठीक बीच में मिलता है 90 आपको, और इधर से भी नंबर लिखे होते हैं 10, 20, 30, यहाँ पर आकर के 180 लिखा होता, तो इसका नाम होता है प्रोट्रैक्टर। हम एंगल को जो नापते हैं वो इसी की हेल्प से नापते हैं, और नापने का जो प्रोसेस दिया हुआ है हमारा पूरा, आप इसमें पढ़ सकते हो, पेज नंबर 138 से स्टार्ट है और 140 पर ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी जो हमको 11.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बतानी थी, क्योंकि 11.3 में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो वो बताना था। और अभी एक पार्ट और है इसका कि किन किसी भी चीज़ को इंटीरियर और एक्सटीरियर कब बोलेंगे। इंटीरियर से मतलब पता चल रहा है आपको कि जो चीज़ें अंदर हैं, इंटीरियर कोई भी चीज़ इंटीरियर है तो उसको अंदर जो रखी होगी उसी को तो इंटीरियर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कोई भी हो सकता है। और एक्सटीरियर क्या बोलेंगे,
एक्सटीरियर चीज़ें वो होती हैं जो किसी भी चीज़ के बाहर होती हैं। जैसे कि हम दोनों चीज़ों को एक सर्किल से बनाकर बता दें, मान लीजिए एक सर्किल है तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लगा दिए इस तरह के, इनका नाम कुछ भी हो सकता है, और कुछ पॉइंट हमने ये बाहर रख दिए ऐसे। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि मान लीजिए इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये कहीं जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, इस तरह से है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि इंटीरियर ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट या जो भी कुछ अब दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया होगा यहाँ पर, तो मैथमेटिक्स से इसलिए पॉइंट की बात चल रही है। तो जो भी इस फिगर के अंदर आने वाली चीज़ें हैं यानी जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट बोले जाएंगे, और जो बाहर वाले हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट बोले जाएंगे। तो ए बी सी डी आई जे ये सभी पॉइंट कैसे हैं? इंटीरियर पॉइंट हैं। ई एफ जी एच और ये जो भी नाम है इनका, वो सब कैसे हैं? एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर पहचान ऐसे कर सकते हैं हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लास्ट में फिर हम जब अब एक्सरसाइज तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आज आपका काम केवल इतना ही है कि इन सब चीज़ों को आप समझो, अच्छे तरीके से क्लियर करो इनको, और अपने नोटबुक में इन चीज़ों को नोट कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपनी ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.3, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि इसमें हम नहीं करा रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप उसको फिर देख भी नहीं पाओगे। तो अच्छा है कि चीज़ों को हम धीरे धीरे लेकर के चलें, समझते हुए चलें। तो ये सारी चीज़ें आप समझें, और जो मैंने डेफिनेशन इसमें दी है उसको नोट करिए। बाकी आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।